हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कंपनी में जीएसटी फीचर्स कैसे इनेबल किया जाता है, इनेबल करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना होता है, वह आज के क्लासेस में एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास बताया जा रहा है कि कंपनी क्रिएट करने के बाद जीएसटी का फीचर्स इनेबल करना होता है और इनेबल जीएसटी फीचर्स, और फीचर्स को इनेबल करने के लिए हमको जाना होता है गेटवे ऑफ टैली में, कंपनी में, फीचर्स में, और वहीं पे एक ऑप्शन दिखेगा इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और हमको यस करना होगा। यस करते ही हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे इसके बारे में लिखा गया किसमें क्या क्या लेते हैं, हम वहीं पे एक एक करके डिस्कस करेंगे, आप लोग घर पे पढ़िएगा इसको, ठीक है। तो चलिए हम टैली को ओपन करते हैं। अब देखिए, टैली को ओपन करने के बाद से अपने कंपनी को पहले ओपन कर लेंगे। तो कंपनी ओपन करना हमने बताया था आपको कि अल्ट प्लस एफ थ्री बटन दबाएंगे, बोलो। और अल्ट प्लस एफ थ्री बटन दबाने के बाद से सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाएंगे, और जी ड्राइव में हमने रखा है, डी ड्राइव में आ जाएंगे, और उसके बाद से यहाँ पे टैली डाटा 3 PM सेलेक्ट कर लिया हमने, क्लियर है। अब इतना लेने के बाद से अब हमको ध्यान देना होगा कि फीचर्स इनेबल कैसे करते हैं। तो ध्यान देना, अगर कोई काम कर रहे हैं वहां पे फीचर्स इनेबल करना है तो उसके लिए क्या तरीका है, अगर कंपनी में कोई फीचर्स इनेबल करना है उसके लिए क्या तरीका है। तो देखिए, इस समय हम अपने कंपनी में पहले काम करने से पहले कंपनी में फीचर्स इनेबल करना चाहते हैं, तो इसके लिए देखिए यहाँ पे लिखा है कंपनी, दिख रहा है आपको, वही लिखा गया गेटवे ऑफ टैली, और उसको कहाँ जाएंगे हम लोग, कंपनी में। देखिए, तो अगर कंपनी मेनू ओपन करना है तो अल्ट के साथ के दबा देंगे, देखो के नीचे एक अंडरलाइन है तो हमने अल्ट के साथ के दबाएंगे, या यहाँ पे क्लिक कर देंगे, आपकी मर्जी, तो हम अल्ट के साथ के ही दबाते हैं। तो जैसे अल्ट के साथ के दबाएंगे तो हमारे सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। तो देखिए, यही पे लिखा गया फीचर्स, दिख रहा है आपको, तो याद कर लेना, नोट कर लेना, फीचर्स के लिए शॉर्ट कट भी होता है F11, ठीक है, नोट कर लो, छोटे छोटे पॉइंट्स नोट कर लेना चाहिए, ठीक है। अगर कोई कहता है फीचर्स के लिए शॉर्टकट की क्या होता है टैली में, तो बताना या फिर F11, मतलब हर एक सॉफ्टवेयर में अलग अलग होता है लेकिन टैली में होता है या फिर F11, ये नोट कर लीजिएगा आपने, मतलब टैली में फीचर्स इनेबल करना ओपन करना है तो या फिर F11 बटन दबाएंगे। हो गए बाबू, चलिए उसके बाद से हम आएंगे कॉन्फिगर में, नीचे दिख रहा है यहाँ पे कॉन्फिगर, कॉन्फिगर में दिख रहा है यहाँ पे फीचर्स, हम चाहते थे आप F11 भी दबा दिए होते। चलिए अब आते हैं फीचर्स में, फीचर्स पे आते हैं। अब देखो, इसमें कंपनी अपना जो भी है तो यही हमारा कंपनी गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंपनी नेम है गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, तो जैसा मेरी कंपनी का रिक्वायरमेंट है वैसे हम फीचर को इनेबल और डिसेबल करेंगे। तो आज हमको क्या करना है, जीएसटी फीचर्स इनेबल करना है, क्या करना है बाबू, जीएसटी फीचर्स इनेबल करना है। तो देखिए, इसके लिए यहाँ पे आ जाएंगे टैक्सेशन में, क्योंकि जीएसटी किससे रिलेटेड है, टैक्स से रिलेटेड है, पढ़ाया था ना आपको, और याद करो ये सब हम लोग पढ़े थे, इनेबल सर्विस टैक्स, एक्साइज, वैट, बोलो, ये बताया था, सब कुछ सम्मिलित किया गया है। तो यही देखो, पहले नंबर पे आ गया इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, तो यहाँ पे यस है, दिख रहा है आपको ना, तो अगर आपका यस होगा तो कोई बात नहीं, वहां पे क्लिक करना, आगे बढ़ना, अगर नो होगा तो वहां पे वाई दबा के यस कर लेना, मतलब यहाँ पे यस नो करने के लिए क्या दबाएंगे, हाँ वाई और यन, ठीक है, वाई से हो जाएगा यस, यन से जी, तो आप लोग अपने हिसाब से इस्तेमाल करिएगा। तो मेरा यस है पहले, तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे आ जाएंगे और इंटर बटन दबाएंगे। तो जैसे इंटर बटन दबाएंगे तो देखिए, और यहाँ पे आ गया जीएसटी रजिस्ट्रेशन डिटेल, दिख रहा है आपको ना, तो देखो पहले ही पूछा जाता है स्टेट, मतलब आपका कंपनी है ठीक है, वो किस स्टेट का है, तो उत्तर प्रदेश, तो हम वही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद से देखो अगला नेक्स्ट पूछा जाता है रजिस्ट्रेशन टाइप, मतलब आपका जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन हुआ है किस टाइप के रजिस्ट्रेशन हुआ है, तो हमने बताया था टाइप्स ऑफ डीलर, याद है कौन कौन आते हैं,
रेगुलर कंपोजिशन डिलर, यही पूछा जाता है सिचुएशन टाइप। तो देखिए एक बाइट कॉल आ गया रेगुलर, आ एक है कंपोजिशन, दो ही आ रहा है आपको, मतलब सॉफ्टवेयर में भी दो ही बनाया गया है। तो आपको डिसाइड करना होगा कि रेगुलर डीलर है या कंपोजिशन डीलर है। अब आपके मन में क्वेश्चन चलेगा कि सर ये कैसे पता करेंगे कि रेगुलर डीलर कंपोजिशन डीलर है, इसका मैं थ्योरी आपको पढ़ाया था। प्लस अगर नहीं पता तो पूछ लेना, ठीक है, आपको दिखाया वहां पर दिखेगा हाँ रेगुलर में है कंपोजिशन में, ठीक है। एक्टर नंबर पता है तो कोई बात ही नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना किसमें रजिस्ट्रेशन कराए हो। कई लोग का दिक्कत होती है, टर्न ओवर 2 करोड़ है, ठीक है, फिर भी जानते हो क्या करते हैं, दो पेन चलाते हैं, ठीक है, तो 1-1 करोड़ का हो जाता है, तो दोनों कंपोजिशन में करा लेते हैं, इससे थोड़ा सा कुछ सर्विसेज को ज्यादा मिल जाता है, ठीक है। तो कई सारे व्यापारी चालाक होते हैं, मतलब फार्म नाम चलता है दूसरे के नाम से और रजिस्ट्रेशन कराते हैं दूसरे के नाम से, ठीक है, तो रिपोर्ट थोड़ा सा कम दिखता है, कुछ पैसा अपने में जमा कर देते हैं, कुछ उसमें जमा करते हैं, तो टर्न ओवर कम दिखता है, ठीक है, ध्यान देना। तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन टाइप है तो हम लेंगे रेगुलर। फिर से देखिए नीचे यहाँ पे ऑप्शन है अदर टेरेटरीज, मतलब अगर किसी यूनियन टेरेटरी से बिलोंग करते तो यस करेंगे, नहीं तो नो ही रहने देंगे। तो हमारा उत्तर प्रदेश से है क्या? नहीं है। यूनियन टेरेटरी वाला बताया था ना क्या मतलब होता है, क्या बताया था, केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, तो ध्यान देना। उससे रिलेटेड नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है यहाँ पे यस करने का। हम नीचे आएंगे, अब पूछा जाता है जीएसटी अप्लीकेबल, क्या पूछा जाता है जीएसटी एप्लीकेबल। आपको सर जीएसटी एप्लीकेबल का मतलब क्या है, मतलब आपके कंपनी में जीएसटी से रिलेटेड कब काम, कब से काम चालू हो, ठीक है, मतलब जब काम करोगे तो जिस डेट को बता दो उसी डेट से जीएसटी उठाएगा, टैक्स कलेक्ट करेगा। अगर उससे पहले वाले डेट में हम काम करते तो जीएसटी कलेक्ट नहीं करेगा और ना हुआ काम हम कर सकते हैं। ये पूछा जाता है जीएसटी एप्लीकेबल, मतलब आपके कंपनी में जीएसटी कब से एप्लीकेबल हो, तो अगर 1 अप्रैल दिया है तो 1 अप्रैल से पहले अगर मान लो 31 मार्च में आते हैं तो जीएसटी उठाएगा, नहीं 1 अप्रैल के बाद वाले जो टाइम उसमें उठाएगा। ये पूछा जाता है कि जीएसटी एप्लीकेबल कब से करना चाहते हो, बोला 1 अप्रैल से, मतलब जब से व्यापार स्टार्ट हो रहा तभी से, ठीक है ना। और यहाँ पे आ जाएंगे नीचे, अब कह रहा जीएसटी नंबर, तो आप बताओ पढ़ाया था ना हमने जीएसटी गुड्स नंबर का मतलब क्या, जी गुड्स एंड सर्विस टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर, कितने अंक का होता है, 15 अंक का होता है, तो जीएसटी नंबर उस पार्टी का भरेंगे। देखिए यहाँ पे जीएसटी नंबर दिया है, क्या दिया है, 09APMPV123AM1ZD दे रहा आपको, वही हम यहाँ पे डालेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे 09AMPV, ठीक है, 123 क्या था, एम AM1ZD, A1M1ZD ना, चलिए यहाँ पे इंटर दबाएंगे, उसके बाद से एरर देगा जब गलती रजिस्ट्रेशन में रहेगा तो, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, आप लोग कर लेना है। फिर से पूछे था रेगुलर डीलर कैसे मंथली टैक्स पे करेगा क्वार्टली, तो कई लोग मंथली करते हैं कई लोग क्वार्टली करते हैं, तो पूछ लेना कैसे करोगे आप, उसी हिसाब से यहाँ पे कर लेना। तो हम क्या करना चाहते हैं, मंथली करेंगे हर महीने, ज्यादा टेंशन नहीं लेना हमको, यहाँ पे क्या लेंगे हम लोग मंथली, ठीक है, अगर कंपोजिशन रहता तो हाँ केवल क्वार्टली ही दिखेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, फिर से देखो कहा गया एडिशनल फीचर्स, मतलब कुछ कंडीशन आने पे एडिशनल फीचर्स कुछ इनेबल डिसेबल करते हैं। तो देखो लिखा गया है कि सेट अल्टर जीएसटी रेट डिटेल, तो कभी कभी कुछ ऐसी कंपनियां होती है ना जिसका फिक्स एक रेट होता है, ठीक है, और उसी रेट पे वो ट्रांजेक्शन करता है। अपने ऊपर क्या, जैसे मान लो मेरा ऐसा दुकान है कि मैं वह प्रोडक्ट रखा हूँ जिसमें केवल 5 ही% वाला ही है, केवल 12% वाला ही है, केवल 18% वाला ही है, मतलब मेरा ऐसा दुकान है, मेरा ऐसा फर्म है कि जो प्रोडक्ट मैं बेचता हूँ केवल एक ही नेचर वाले हैं बस, मतलब किसी पे केवल 5% ही है या तो केवल 18% वाला ही, तो वहां पे वैसी कंपनियां इस ऑप्शन को यस कर सकता है सेट अल्टर जीएसटी डिटेल को। लेकिन ऐसा फर्म है, हम ऐसे सामान बेच रहे हैं 5% वाला भी है, 3% वाला भी है, 18% वाला भी है, 28% वाला भी है, 12% वाला भी है, तो इसका इस्तेमाल हम लोग नहीं करेंगे, मतलब उस केस में इसका इस्तेमाल करेंगे जहां पे एक रेट हो जीएसटी का, ठीक है ना। अगर एक से ज्यादा हो तो इसका इस्तेमाल करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे एक ले लेंगे तो सब आइटम पे जिसको 18 उसको 5% ही लेगा, जो भर दोगे वही लेगा, इसीलिए हम यहाँ पे नो ही रहने देंगे, उसको कुछ करेंगे नहीं।
ठीक है, तो यहाँ पे अभी कुछ करना नहीं है एडिशनल फीचर्स में, ठीक है, नो नो ही रहने देंगे और आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद से अगला है इनवाइस फीचर्स। तो देखो इनवाइस फीचर में पहला ऑप्शन ईवे बिल अप्लीकेबल, ईवे का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल, क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक बिल, ठीक है, यह जानते हो कब जनरेट होता है, जब हम एक ही बिल में 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन कर देते हैं और वो किसी गाड़ी के माध्यम से भेजवाते हैं, तो रास्ते में ईवे बिल आपसे सेल टैक्स वाले मांगेंगे, मतलब जब तक बिल इलेक्ट्रॉनिक नहीं दिखाओगे ना तब तो मान्य नहीं होगा, तो पकड़े जाओगे, कुछ जुर्माना देना पड़ेगा। गवर्नमेंट ने रूल ऐसा बनाया है कि मतलब एक ही ट्रांजेक्शन में, एक ही बिल में 50,000 से ज्यादा का ट्रांजेक्शन कर दे रहे, मतलब जो बेच रहे हैं ना वो 50,000 एक ही कस्टमर को 50,000 से ज्यादा बेच दे रहे हैं, अब वो गाड़ी के माध्यम से भेजवा रहे हैं, मतलब पड़ौना से कसया, कसया से गोरखपुर, तो जो रास्ते में जब जाएगा तो सेल टैक्स वाले रोक सकते हैं, चेक हो सकता है गाड़ी, तो जब चेक करेगा तो 50,000 से ज्यादा मिलेगा ना, कहेगा आप ईवे भी बनवाए हो, तो अगर बना है तो ऑनलाइन चेक कर ले, हाँ बना, कोई बात नहीं जा सकते हैं आप, और नहीं बना रहे तो भी रोक देगा, हाँ खरीदे बेचे कुछ बनाता है, ठीक है, या बेचने वाला बना दे या खरीदने वाला बजा दे या जो लेके जा रहा है वो बना दे, तीनों से कोई एक बना सकता है, ठीक है, क्या होता है तो बताएंगे आपको आगे, तो हम बोलेंगे कोई बात नहीं ऐसे रहने देंगे, इसको कुछ नहीं करना है। पर अप्लीकेबल कब से होगा? 1 अप्रैल से। किस पे? इनवाइस वैल्यू पे, ठीक है, और 50,000 लिमिट है, कुछ करना नहीं हमको, बस इंटर 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 और सेव कर लेना है, अब इसमें से तो कुछ करना नहीं हमको, बस कंट्रोल ले करके एक्सेप्ट कर लेना, मतलब जीएसटी में जितना इनेबल करना था उतना हमने इनेबल कर दिया, मतलब सेव करने के लिए इसमें सेव नहीं बोले, इसमें बोलेंगे एक्सेप्ट, तो जब भी कुछ एक्सेप्ट करना है तो उसके लिए कंट्रोल प्लस ए दबाएंगे, क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस ए। चलिए अब हम जीएसटी फीचर से इनेबल किए और चलते हैं बैग, तो फिर से हम अपनी कंपनी पे आ चुके हैं, अब हम कंपनी में एक एक करके धीरे धीरे काम करना सीखेंगे, चलिए देखते हैं क्या दिया इसके बारे में, क्लियर है बाबू? ये पढ़ लेना है एक एक करके क्या किसका मतलब। अब अगला देखो है वो है मास्टर, क्या है बाबू? मास्टर मास्टर, तो चलिए मास्टर को समझिए, चलिए इसी बात में मास्टर मास्टर कह दिए ना, तो चलो मास्टर मतलब यहाँ पे पहले में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग मास्टर बनाए गए, तो बताया गया मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं, ध्यान देना मास्टर अकाउंटिंग डाटा के कंटेनर होते हैं, और यह ऐसे अकाउंट हेड होते हैं जिन्हें एक बार क्रिएट करते हैं और उनका प्रयोग बार बार करते हैं, मतलब ध्यान दीजिएगा जैसे अब टैली में हम काम करने जाएंगे ना तो सबसे पहला स्टेप होता है कि हम मास्टर का इस्तेमाल करें, मतलब जब तक मास्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक टैली में कोई काम नहीं कर सकते, तो ये बोला गया मास्टर कंटेनर होते हैं, मतलब अब कंटेनर मतलब क्या करता है, हाँ बहुत सारे सामानों को स्टोर करता है और एक जगह से जहां दूसरी जगह हम लोग लेके जाना चाहते हैं आसानी तरीके से ले जाते हैं, उसी से मास्टर है, मतलब कंप्यूटर में टैली में अकाउंटिंग करना है तो सबसे पहले हमको मास्टर का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जिसे मतलब मास्टर वह कंटेनर होता है, ठीक है, जिसका एक बार इस्तेमाल करते हैं, मतलब क्रिएट करते हैं, उसका इस्तेमाल बार बार करते हैं, मतलब जैसे मास्टर में क्या क्या क्रिएट होता है, तो लेजर क्रिएट होता है, बाउचर क्रिएट होता है, ग्रुप क्रिएट होता है, तो एक बार कोई लेजर बना लिए उस लेजर का प्रयोग बार बार करेंगे, जैसे हम मोहन से माल बेच रहे हैं तो मोहन का एक बार बना लिए, जब भी हम मोहन आएंगे तो हमको बनाना नहीं पड़ेगा, बस नाम सेलेक्ट करेंगे मोहन आ जाएगा, समझे? चलो बैंक SBI करेंट अकाउंट से एक बार पेमेंट कर दिया हमने, एक बार अकाउंट बना लिए तो जब भी पेमेंट करना है तो बार बार बस नाम लिख देंगे तो आ जाएगा, उसका बार बार इस्तेमाल करेंगे जब तक अकाउंटिंग हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन बनेगा किससे? तो ये लेजर ग्रुप वाउचर जो बनता है वो मास्टर से बनता है, किससे बनता है? मास्टर से, इसके लिए अलग अलग मास्टर दिए गए। चलिए अब कीबोर्ड की बात करें, ठीक है, कोई प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, मान लो फैन बेच रहे हैं, प्रोजेक्टर बेच रहे हैं, मॉनिटर बेच रहे हैं, इसके लिए भी तो हमको क्या करना होगा, बनाना पड़ेगा ना, इसके लिए भी अलग मास्टर बनाया गया है, उसे बोलते हैं इन्वेंटरी मास्टर, ठीक है, तो देखिए बताया गया है कि मास्टर निम्नलिखित प्रकार के होते हैं, क्या क्या? अकाउंटिंग मास्टर, अकाउंटिंग मास्टर में सबसे ज्यादा देखो क्या क्या बनाया जाता है, ग्रुप लेजर करेंसी बाउचर टाइप, ठीक है, फिर से बोला गया इन्वेंट्री मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर में सबसे ज्यादा क्या रिकॉर्ड दिया जाता है, स्टॉक आइटम,
यूनिट कैटेगरी उसका ग्रुप क्या है, अब कोशिश क्या होता है तो पढ़ाएंगे तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा, ठीक है। उसके बाद से पेरोल मास्टर, पेरोल मास्टर में ज्यादातर क्या होता है सैलरी स्लिप बनाया जाता है, इसमें नहीं दिया है उसको इनेबल डिसेबल करना पड़ता है, वो एक प्रकार का मास्टर है, मतलब सैलरी स्लिप बनता है बड़ी कंपनी में, ठीक है। और एक है सेक्रेटरी मास्टर, इससे सबसे ज्यादा जीएसटी से रिलेटेड फीचर्स इनेबल डिसेबल किया जाता है, मतलब सबके लिए अलग अलग मास्टर, मतलब कुछ लेजर बनाना है तो तुरंत दौड़े जाएंगे अकाउंटिंग मास्टर में, कोई प्रोडक्ट से लेकर काम करना है तो दौड़े दौड़ जाएंगे इन्वेंटरी मास्टर में, कोई सैलरी फी बनाना है तो पेरोल मास्टर में, जीएसटी से लेकर काम करना है तो स्टेटरी मास्टर में, समझे। तो अलग अलग मास्टर बनाए गए, तो हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग मास्टर, मतलब आज के क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, अकाउंटिंग मास्टर। चलिए देखते हैं क्या लिखा गया इसके बारे में और एक एक करके समझते हैं। तो देखिए बताया जा रहा है कि इसके अंतर्गत अकाउंट्स ग्रुप लेजर वाउचर टाइप्स इटिस को रखा गया है। तो ग्रुप का मतलब क्या है आपको पढ़ाया गया है, कहा जा रहा है ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, क्या बोला गया है, चलो और ऊपर कर दे, नहीं दिख रहा है, क्या बताया जा रहा है, ग्रुप आर कलेक्शन ऑफ लेजर ऑफ द सेम नेचर, मतलब एक समान नेचर वाले को हम लोग क्या करते हैं एक ग्रुप में रखते हैं, उनका कलेक्शन करते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए हमारा पीसी बहुत सारी कंपनियों के आते हैं, कल एग्जांपल बताया था, तो सपोज मान लो डेल का भी बहुत सारा पीसी रखा गया, ठीक है, और उसके बाद से हमने एसर का भी बहुत सारा पीसी रखा, ठीक है, और भी बहुत सारी कंपनियों का रखा है, लेकिन सब क्या है पीसी है ना जी, तो कंपनी अलग अलग उसकी बात नहीं है, लेकिन रियल में उसे कैटेगरी छांटोगे जो ग्रुपिंग करो तो सब पीसी में, लैपटॉप वाला लैपटॉप वाला सब लैपटॉप में, कीबोर्ड वाला सब कीबोर्ड में, तो एक समान नेचर वाले को एक जगह रखते हैं, तो चाहे भले ही कंपनी अलग अलग उससे मतलब हमको नहीं है, बोला गया ग्रुप कलेक्शन लेजर ऑफ द सेम नेचर, मतलब एक समान ग्रुप एक जगह रखेंगे, उसके बाद से दूसरा होगा तो दूसरों के दूसरे जगह रखेंगे। जैसे सपोज इसका एग्जांपल सबसे बेटर है, चलो कस्टमर, जैसे कस्टमर हैं तो कस्टमर मोहन भी आ जाएंगे, सुरेश भी आ जाएंगे, बबलू भी आ जाएंगे, लेकिन सब कस्टमर ही है ना जी, तो जितने हमारे कस्टमर आएंगे उनको एक ग्रुप में रखेंगे, बस फंड्री डेबिटर, पढ़ाया गया था ना आपको कस्टमर को अकाउंटिंग की भाषा में क्या बोलते हैं, डेबिटर, भूल गया होगा आप लोग को। और जितने सप्लायर है, चाहे मोहन हो, रमेश हो, सुरेश ट्रेडर्स हो, सप्लायर को बोलते क्रेडिटर, उसे बोलते सन्ड्री क्रेडिटर, मतलब एक समान वाले को एक ग्रुप में रख देते हैं, ठीक है। अब बैंक मान लो अकाउंट है तो बैंक में पीएनबी आए, चाहे एसबीआई आए, चाहे सीबीआई आए, ठीक, चाहे कोई बैंक आए, उसका अंडर ग्रुप रहेगा बैंक अकाउंट, ठीक है। यही यहाँ पे देखिए फिर से आगे बताया जा रहा है, क्या बताया जा रहा है कि अर्थात एक जैसे नेचर वाले लेजर का समूह अकाउंट ग्रुप कहलाता है, और जैसे सभी कस्टमर के लेजर को संडे डेबिटर ग्रुप में बनाना होता है जिससे उनको देखने और रिपोर्ट तैयार करने में सुविधा होती है, मतलब फायदा क्या होता है इसे देखने में भी और रिपोर्ट बनाने में सुविधा होती है। आपको सर क्या सुविधा है आप बताइए, कि अगर कीबोर्ड का ही मैं बात करूं तो अगर मान लो कीबोर्ड के ग्रुपिंग कर रहे हो तो अच्छा है, एक बार रिपोर्ट दे देंगे और सबका अलग अलग करो, डेल का कीबोर्ड अलग है, इसका कीबोर्ड अलग है, तो रिपोर्ट देने में थोड़ा दिक्कत होती है, ठीक है। अब कस्टमर मान लो क्या होते हैं, अब कस्टमर बहुत सारे एड्रेस के आ जाएंगे, ठीक है, तो मान लो हम एक ग्रुपिंग कर दे कि रमकोला वाला जो आए एक जगह रखे, कसिया वाले उनको एक जगह रखे, ठीक है, उसके बाद से गोरखपुर वाले उसको एक जगह रखे, तो कितना आसान होगा, सब कस्टमर ही है, लेकिन अब से हमसे कोई पूछ देगा कि बाबू पढ़ाना कितने आपके, तो बस एक बार क्लिक करेंगे पढ़ाना वो निकल के चला आएगा, जब ग्रुपिंग करेंगे तब ना, नहीं तो सबको संडे डेटर रख देंगे तो जानते हो इतना तो पता चलेगा सब कस्टमर है, लेकिन किस एड्रेस के ही नहीं पता चलेगा। अब लेजर खोलिए, अंदर डिटेल चेक करिए तब पता चलेगा, ग्रुप का मतलब समझ आ रहा है ना। जैसे मान लो इतने लोग बैठे हो, कई लोग का डीसीए होगा, कई लोग एडीसी होगा, कई लोग डीएफए होगा, कई लोग एडीएफए होगा, लेकिन अभी मैं क्या करूंगा जब बैच खत्म होगा तो मैं सोच रहा सबको से पढ़ाऊंगा, जब मैं बोलूंगा अलग हो जाए तो क्या कहेंगे, नाम रखेंगे वो, आप लोग डीएफए हमारा भी हमारा भी हमारे सब लोग एक साथ अलग हो जाओ, ठीक है, डीसी अलग हो जाओ, यही होता है ग्रुपिंग, सुनाया। चलिए आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला बताया जा रहा है, ठीक है, प्री डिफाइंड ग्रुप इन टेलीप्राइम,
मतलब प्री डिफाइंड ग्रुप इन टैली प्राइम का मतलब है टैली प्राइम में पहले से ही प्री डिफाइंड पहले से कुछ ग्रुप बने होते हैं। ठीक है, अब क्या बने होते हैं तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है कि 15 प्राइमरी ग्रुप बना होता है और 13 सब ग्रुप बना होता है, मतलब टोटल 28 ग्रुप बना होता है। मतलब टैली सॉफ्टवेयर में, मतलब टैली की बात कर रहा हूँ, अलग सॉफ्टवेयर में अलग अलग बने होते हैं। ठीक है, मतलब टैली में टोटल 28 ग्रुप बने होते हैं जिसमें 15 प्राइमरी होता है और 13 सब ग्रुप होता है। अब प्राइमरी सब का मतलब क्या है तो चलिए इसको हम एक एक करके समझते और जानते हैं। जैसे सपोज मान लीजिए क्या है, वहां पे 3 लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने ग्रुप बनाया तो मैंने बोल दिया कि बाबू जो यस के हैं, ठीक है, वो एकदम मेन है, प्राइमरी है। अब इनके अंतर्गत 2 और बंदे और इनके अंतर्गत रहे, ठीक है, तो मतलब प्राइमरी यस के हैं और जो रमेश और पुलिस हैं वो उनके अंतर्गत होता है सब ग्रुप। वैसे ही क्या होता है, रियल में टोटल 13 ही ग्रुप होते हैं, मतलब 15 ही होते हैं, लेकिन 15 के अंदर 13 और ग्रुप बनाए गए होते हैं। जैसे आप बताइए जो सन्ड्री डेबिटर वाला जो पैसा है, ठीक है, वो हमारे व्यापार के लिए क्या बोला जाएगा, एसेट बोला जाएगा, याद है ना आपको। और सन्ड्री क्रेडिटर वाला पैसा क्या होगा, लाइबिलिटीज होगा, क्या होगा, लाइबिलिटीज। तो रियल में देखिए लाइबिलिटीज, देखो इसमें दिख रहा है करेंट लाइबिलिटीज और करेंट एसेट्स, लेकिन यहाँ पे जो क्रेडिटर डेबिटर दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सन्ड्री डेबिटर और यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर। मतलब जब किसी कस्टमर का लिस्ट बनाएंगे तो रखेंगे सन्ड्री डेबिटर, लेकिन रियल में सन्ड्री डेबिटर हमारे व्यापार के लिए क्या, एक प्रकार का एसेट्स अमाउंट है। तो जो हम बनाएंगे एसके का उसका ग्रुप रखेंगे सन्ड्री डेबिटर, और ये सन्ड्री डेबिटर जो बना हुआ है ना इसके अंडर में बना हुआ है, करेंट एसेट के अंडर बना हुआ है। जैसे फिर से सन्ड्री क्रेडिटर, तो हम रमेश का बनाएंगे तो रख देंगे सप्लायर है सन्ड्री क्रेडिटर, लेकिन ये जो लेजर ये जो ग्रुप बना हुआ है ना ये करेंट लाइबिलिटीज के कटे बना हुआ है। मतलब ये खाते किस खाते में जाएगा, लाइबिलिटीज के खाते में जाएगा, एसेट के खाते में जाएंगे। तो कुछ मेन बने हैं, कुछ सब बने हैं, इन्हीं सब का इस्तेमाल करके हम लोग इसे बोलते हैं चार सब अकाउंट। इन्हीं चार सब अकाउंट का ध्यान रख के हम आसानी तरीके से अकाउंटिंग करेंगे। जैसे आप कह रहे थे सर एंट्री तो कर ली, नहीं पता चला कौन किस में जाएगा, यही मेन है। अगर ये समझ लिए कि कौन किस में जाएगा तो आप आसानी तरीके से कर ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और यही हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं, तो चलिए एक एक करके सीखने वाले हैं, कुछ आज सीखेंगे कुछ अगले क्लास में जानेंगे। देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिया है कैपिटल, क्या दिया है कैपिटल। तो देखो जो कैपिटल है ना, जब भी कैपिटल की बात करें ग्रुपिंग करने का, तो कैपिटल अकाउंट ज्यादातर कब कब लेते हैं, ठीक है। तो याद होगा आपको थ्योरी पढ़ाया गया होगा कि जब व्यापार का स्वामी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए, व्यापार का स्वामी व्यापार को स्टार्ट करने के लिए जो धन वस्तु व्यापार में लगाता है उसी बोलते हैं कैपिटल। तो जब भी व्यापार का स्वामी व्यापार में इन्वेस्ट करता है पैसा, तो हमेशा एक लेजर बनाएंगे, वो लेजर बनाएंगे प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे, प्रोप्राइटर कैपिटल अकाउंट, लेकिन वो क्या है, तो एक कैपिटल अकाउंट है। तो जो उसका ग्रुप जो रखेंगे ना वो रखेंगे कैपिटल अकाउंट, समझे। चलो वो कैपिटल हम लोग क्या करते हैं, कई बार पार्टनर से ले लेते हैं, पार्टनरशिप भी रहता है, होता है, ठीक है। तो बोला चलो तुम हमें कुछ पैसा मैं लगा दे रहा हूँ, कुछ तुम लगा देना, कुछ हिस्सेदारी आपका रहेगा। तो वहां पे आगे अगर पार्टनर कैपिटल तो भी उसका ग्रुप क्या रहेगा, कैपिटल। और कई बार ऐसा होता है शेयर कैपिटल, मतलब कहीं हम लोग कई बार ऐसा होता है कि हमने कैपिटल लगा दिया है कहीं और वहां पे हमको शेयर भी मिल रहा है, तो उसका भी ग्रुप रहेगा क्या, कैपिटल अकाउंट। मतलब कैपिटल से रिलेटेड है जी, हाँ, तो उसके अंतर्गत ही रहेगा, क्लियर है ना। उसके बाद अगला है करेंट एसेट, मतलब करेंट एसेट में बहुत सारा आता है, ठीक है। मतलब अब करेंट एसेट में किसको किसको रखेंगे, जैसे बैंक जो हमारा है, जो बैंक और जो बैंक में मेरा पैसा है वो हमारे व्यापार के लिए एसेट कहलाता है। जो कैश है वो भी एसेट है, जो सन्ड्री डेबिटर वाला अमाउंट है वो भी एसेट है। तो वहां पे क्या करते हैं, थोड़ा सा अलग कर दिया गया है और नेचर के हिसाब से अलग अलग ग्रुपिंग किया गया है। जैसे अब जितने हमारे कस्टमर है सब सन्ड्री डेबिटर ही है, ठीक है, जितने सप्लायर है सब सन्ड्री क्रेडिटर ही है, और सन्ड्री डेबिटर से पैसा हमको लेना होता है और सन्ड्री क्रेडिटर से हमको पैसा देना होता है,
लेकिन बोला गया कि बाबू उतना लंबा लेके खींचोगे तो दिक्कत होगी, तो मैंने इनका सब ग्रुप बनाया है, ठीक है, पर उनका इस्तेमाल करना, वो मेरे खाते में ऑटोमेटिक पैसा चला आएगा। तो क्या, तो जब हम लेजर बनाएंगे रमेश ट्रेडर्स का और देख रहे हैं मेरा कस्टमर है, तो जैसे रखेंगे संडे डेबिटर, तो अपने आप संडे डेबिटर वाला पैसा करेंट एसेट में चला जाएगा। मतलब इसको ग्रुपिंग, इस कस्टमर का ग्रुपिंग इसमें नहीं करेंगे, करेंगे इसमें, लेकिन तुरंत यह इसी के अंदर बना हुआ है, तो अपने आप पैसा इसमें चला जाएगा, समझे। हाँ, उसका नाम से होगा कि रमेश है और इनसे इतना पैसा लेना है और हमारे व्यापार के लिए है, समझे। पैसे है करेंट लाइबिलिटी, अब करेंट लाइबिलिटी बहुत कुछ हो सकता है, बोलो, बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है। किसी से मैंने उधार ले लिया वह हो सकता है, ठीक है, किसी से लोन ले लिया वो हो सकता है। तो कई बार ऐसा होता है कि लोन लाइबिलिटी मतलब करेंट लाइबिलिटीज का मतलब क्या है, शॉर्ट टर्म बेसिस, बोलो, करेंट लाइबिलिटी शॉर्ट टर्म बेसिस, ठीक है, इन दो चार साल के बाद देना हो, ठीक है, दो चार महीने, 2 महीने, 10 दिन, 20 दिन, ठीक है, 6 महीने, उसे बोलते हैं करेंट लाइबिलिटी। मतलब वह पैसा जो शॉर्ट टर्म बेसिस पे देना हो, जैसे मान लो हम गए किसी दुकान पे और 2-4-10 रुपए का कोई सामान खरीदा, हम कहेंगे 5 साल के बाद देंगे, तो कहेंगे जाओ घर जाओ, ठीक है, हमारी दोस्ती आपकी चलेगी नहीं, ठीक है, उधार तो देंगे ही नहीं देंगे, लेकिन कहेंगे चलिए 100 रुपए खरीद रहे 2 दिन के बाद दे देंगे, कहेंगे लो कोई बात नहीं है, ठीक है, उसको नहीं देगा तो वापस नहीं देगा फिर से, और उसको उधार नहीं देगा, और दे देगा तो क्रेडिट बना रहेगा फिर से देता रहेगा, बोलो। इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस। मान लो आपसे हमने उधार ले लिया कुछ टाइम के लिए, ठीक है, अब हम कह रहे नहीं, ठीक है, हम 5 साल के बाद देंगे, तो हमारा काम है तो तुमको देंगे नहीं देंगे, बहाना कर, नहीं तुमको नहीं देना, ठीक है, मतलब वो पैसा जो हमको देना है इन कम समय में चुकाना है, लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं देना, उसे बोलते हैं करेंट एस, मतलब करेंट लाइबिलिटी, ठीक है। तो बहुत सारे आ सकते हैं, ठीक है, तो हम क्वेश्चन करेंगे ना तो बेटर तरीके से एक एक करके समझेंगे किसमें क्या रखेंगे किसमें क्या नहीं रखेंगे। पर इतना समय आ रहा ना, अगर कोई पूछता है कि कितने टोटल ग्रुप रहते तो क्या जवाब देंगे, 15 प्राइमरी है और 13 सब ग्रुप, टोटल 28 ग्रुप बने होते हैं, ठीक है, उन 15 के अंदर 13 बना होता है, ठीक है, और जैसा जैसा नेचर आता है वैसे ऐसे हम लोग सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए इसके बारे में लिखा भी गया है नीचे, वो हम लोग एक एक करके देखो, बता देना कैपिटल में क्या क्या रखेंगे। देखो बताया जा रहा है होल्ड कैपिटल एंड रिवर्स इन द कंपनी, फॉर एग्जाम्पल प्रोपराइटर ओनर का मतलब प्रोपराइटर ओनर जो भी है कैपिटल लगाता है, हाँ क्या करे 13-14 नहीं ग्रुप यहाँ से दो दो बना रहता है, ठीक है, पर डायरेक्ट इसमें दिख रहा ना आपको, डायरेक्ट में दो दो दिया रहता है, बाइक मतलब एक ही का इस्तेमाल करते हैं, ग्रुप पहले से रहता है उसमें भी रहता है, ठीक है, तो इसे सेम नहीं रहता इसलिए दिया गया। तो कैपिटल में देखो बताया जा रहा ना क्या हो सकता है, कैपिटल, पार्टनर कैपिटल और शेयर कैपिटल, मतलब तीनों में से कोई बना रहे तो क्या रखेंगे, समझ में आता आपको ना, तो आपको एक एक करके क्या करना होगा, आपको याद करना होगा, समझना होगा, तब आप आसानी तरीके से काम कर ले जाओगे, नहीं तो आगे चल के दिक्कत होगी। चलिए अब करेंट एसेट में बहुत कुछ बताया आपको ना, करेंट एसेट में बैंक भी एसेट्स होता है, कैश बैलेंस भी एसेट्स होता है, ठीक है, तो देखो यहाँ पे बताया जा रहा है, ठीक है, करेंट एसेट्स में क्या क्या आता था, ए बी करके दिया है, देखो बैंक कैश इन हैंड, डिपोजिट पे पैसा किए हैं एसेट्स, मतलब कहीं जमा कर दिए एक बार, ठीक है, देखो ये बता रहा है लोन एंड एडवांस, किसी ने दिया एडवांस, सुनिए ना, स्टॉक इन हैंड, ये सब क्या है हमारे व्यापार के करेंट एसेट्स। तो इस समय कितना होगा आपको समझ में नहीं आएगा उतना, तो जहां जहां क्वेश्चन आएगा उसको समझाएंगे तो बेटर तरीके से समझ में आएगा, बस इतना समझिए ग्रुप बने होते हैं और इसको देखते हैं कैसे, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ठीक है, टैली में कैसे देखते हैं, तो इसको दिखा दे रहा हूँ और कल से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप के बारे में सीखेंगे और जानेंगे, चलो।